मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रामदर्श मिश्र जी की रचना अकेला मकान। अकेला मकान शीर्षक से तो आप समझ ही गए होंगे कि कहानी किसके बारे में होगी। मकान को घर बनाने के लिए परिवार के सदस्यों का आपसी प्रेम भाव और एक दूसरे की इज्जत करना जरूरी होता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो घर को मकान बनने में देर नहीं लगती और मकान केवल चार दीवारी से घिरा हुआ हो तो अच्छा। आप लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि अन्य लेखकों की रचनाएं कैसे मतलब कैसे करेंगे, कैसे पर सुनेंगे, तो प्लेलिस्ट में कैसे जाते हैं इससे पहले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ और आज फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि अन्य लेखकों की रचनाएं कैसे सुनेंगे। इसके अलावा नंदिनी की जो मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस की जो है उसमें भी कैसे जाते हैं मैं आपको एक बार दिखा दूंगी। वैसे तो मैंने हर लेखक के नाम के अनुसार उनकी रचनाएं प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। और आजकल जो ये जैसे बांग्ला कि मैं हिंदी अनुवाद करके भूत की कहानियां डाल रही हूँ और आप लोग पसंद भी कर रहे हैं तो थैंक यू उसके लिए। अब ये गए मोबाइल से आपने कथा मंथन प्रेस किया, ये आइकॉन है ना, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए होम वीडियो प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जा रहे हैं आप। देखिए आईएससी मैथ्स है, टेम्पेस्ट भी डाल रखा है, आईएससी केमिस्ट्री, जीवन संध्या, अमृता प्रीतम जी की लोकप्रिय कहानियाँ, अमरकांत जी की कहानियाँ, भीष्म साहनी जी की कहानियाँ, मालती जोशी जी की कहानियाँ, ऐसे करके आप देख रहे हैं ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यहां से अपनी मनपसंद कहानी, मनपसंद लेखक की कहानी, आईएससी और आईसीएससी के वीडियोस और उसके साथ ही साथ आप उपन्यास भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए दुखम सुखम, शिवानी जी की कहानियां, ब्राह्मण की बेटी, कमला, ये देखिए आप सब देख सकते हैं। तो अब अपनी कहानी शुरू करते हैं हम, ठीक है। मुझे बहुत धक्का लगा जब देखा कि सोहन भैया मेरे गांव में आकर मेरे यहाँ नहीं आते और कुछ लोगों के दरवाजों पर बैठने लगे हैं। मुझे विश्वास था कि वे खेत मुझे ही देंगे और मुफ्त तो देंगे नहीं, देंगे तो पैसा ही लेकर ना। लेकिन जब वे मेरे यहाँ ना आकर औरों के यहाँ जाने लगे तो माथा ठनका मेरा। कतरा क्यों रहे हैं मुझसे, आखिर इनकी मंशा क्या है? ये मेरे सगे फुफेरे भाई हैं, उनके एक खेत की तो मुझे सख्त ही जरूरत है। यह मेरे छोटे से खेत के पास पड़ता है और मुझे अपने खेत में मकान बनाना है। सहन भी बन जाएगा और मकान के सामने खेत भी हो जाएगा। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि यदि मैंने अपने छोटे से खेत में मकान बनाया, और बनाना ही है क्योंकि गांव के बीच में मकान बड़े परिवार के लिए छोटा पड़ने लगा है, तो सहन नहीं होगा और घर के सामने वाले बुआ वाले खेत में दूसरा कोई आदमी कुकृत्य कर सकता है। पहले तो सोहन भैया भी तैयार थे, अब क्या हो गया? सुना है वे औरों से बात कर रहे हैं या और लोग चढ़ा ऊपरी कर रहे हैं। सोहन भैया सोचते होंगे कि रिश्तेदारी में मुरोवत के कारण उन्हें घाटा हो जाएगा और लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर बोली बोल रहे हैं और वे सबसे ऊंची बोली का इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपने छोटे भाई को भेजकर कई बार सोहन भैया को बुलवाया, कतरा गए वे। आखिर एक दिन गांव के बाहर मुझसे टकरा ही गए। मैं उन्हें एक पेड़ की छाया में ले गया और पूछा कि आप मेरे यहाँ आते क्यों नहीं। उन्होंने इधर उधर का बहाना किया, मुझ में आत्मीय भाव चोर मार रहा था। उसी की आवाज में जरा तेज स्वर में पूछा, आप जगरानी फुआ के खेतों का क्या कर रहे हैं? सुना है बेच रहे हैं, आपने तो मुझसे ना वादा किया था। हाँ बेचना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे गाँव वाले बेचने दे तब ना। क्यों जी, गांव वाले क्यों नहीं बेचने दे रहे? अरे छीना झपटी मची हुई है भैया, चढ़ा ऊपरी कर रहे हैं, एक दूसरे से चढ़कर बोली बोल रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, अगर मुझे नहीं मिला तो इस गांव में तुम्हारा आना बंद हो जाएगा। कोई कहता है कि तुम्हें मारकर फेंकवा दूंगा। मैं मुस्कुराया, अरे वाह रे सोहन भैया, आप तो बड़े उस्ताद हो गए। अजी वाह, इसमें उस्तादी की कौन सी बात हो गई? वही जो आप खुद समझ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये खेत आप मुझे क्यों नहीं देना चाहते? आपने तो पहले ही कहा था कि आप मुझे देंगे। अरे मैंने कहा किसी को अभी दे दिया है खेत? लोग यूं ही मेरी जान खा रहे हैं और बोली बोल रहे हैं। अब बोली बोल रहे हैं तो मेरा क्या जाता है?
ऐसा किसे बुरा लगता है, ये लोग अपने में जितना चढ़ा ऊपरी करेंगे तो फायदा तो उतना मेरा ही होगा। अजी सो तो होगा, आपके लिए मेरा या हमारे संबंधों का कोई मोल नहीं है, बस पैसा ही आपके लिए भगवान हो गया। आप ये नहीं सोचते कि मेरा घर आप ही का घर है और दूसरे लोग आप ही का खेत लेकर आपके घर के सामने पखाना करेंगे, बड़े गर्व से हंसकर देखेंगे, देखो जी हम ये कुकृत्य कर रहे हैं। आप तो बिल्कुल निर्लज हो गए हैं। देखो जी सुरेश, संबंध वबंध तो सब ठीक है, लेकिन अपना अपना स्वार्थ सब पहले दिखता है। तुम्हें भी अपना स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है और मुझे भी। इस तरह मजाक करने या धिक्कारने का अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया। मेरी बीवी का खेत है यानी मेरा खेत है, जिसे चाहे बेचूं जिसे चाहे ना बेचूं, कहकर वे चलने को हुए। ठीक कह रहे हो सोहन भैया, ये आपकी बीवी का खेत है। बीवी का खेत तो अपना ही खेत होता है ना। आपने बीवी के लिए चाहे कुछ ना किया हो, लेकिन बीवी आखिर बीवी है, उसका तो सब कुछ अपना ही है। जाइए जिसे चाहे बेचिए, आपका चरित्र यही रहा है, आपसे मैंने गलत अपेक्षा की थी। हाँ जी हाँ, दोषी तो हूँ मैं, पापी हूँ, यह हूँ वह हूँ, कहते हुए सोहन भैया गांव की ओर निकल गए और मैं बागीचे में जाकर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। शरद ऋतु की धूप फैली हुई थी, धूप तेज थी किंतु उसका चिड़चिड़ापन कुछ कम होने लगा था। वातावरण में एक सुगंधित नमी फैलने लगी थी। यहाँ वहाँ खेतों में अरहर के बीच बीच में उठे हुए बाजरे की रंग बिरंगी कलमी झूम रही थी। तालाब के ऊपर से उड़ते हुए पंछी खेतों में बाजरे के दानों तक जा पहुँचते थे और किलोहों करड़ों की आवाज़ में उन्हें हाँकने वाले बच्चों की ध्वनियाँ कनस्तर की आवाज़ के साथ फैल जाती, फिर पंछी खेतों में से निकल भागते। मुझे अपना बचपन याद आ रहा था, मैं भी अपने सामने वाले खेत में मचान पर बैठकर चिड़िया उड़ाया करता था। कितनी यादें जुड़ी हुई थी इन खेतों से, और उनमें सबसे बड़ी याद थी जगरानी फुआ की। यह सामने वाला खेत मेरा है और इसकी बगल वाला जगरानी फुआ का, यानी सोहन भैया का। इधर मैं अपने खेत में मचान पर बैठा होता और उधर फुआ अपने खेत में होती, और खेत में क्या होती, मेरे ही सामने पास आकर बैठ जाती। मैं अकेला अकेला उगता रहता, तब उनका आकर बैठ जाना कितना अच्छा लगता था। वे ना जाने कहाँ कहाँ की किस किस की कहानियाँ सुनाती, उनकी शैली इतनी रोचक की कहानी में और जाना जाती, और मेरे वे अकेले दिन बहुत आसानी से बल्कि तो खुशी के साथ बीत जाते। जिस दिन वे नहीं आती, उस दिन मैं दिन भर खेत में केवल चिड़िया उड़ाता, उनके खेत की और अपने खेत की भी। फिर भी चिड़िया उड़ाने में कितना अकेलापन करता। फुआ से पूछता कि आप कल आई क्यों नहीं, तो वो कहती कोई काम और आ पड़ा था ना, किसी दूसरे गांव में चली गई थी। मैं कहता दूसरे गांव मत जाया कीजिए, आप रोज रोज यहाँ आया कीजिए, आपके बगैर मन नहीं लगता। वे हंस देती और फिर उदास हो जाती। मैं कुछ समझ नहीं पाता कि वे हंस क्यों देती हैं और फिर उदास भी क्यों हो जाती हैं। जब से मैंने होश संभाला, फुआ को अपने और अपने परिवार से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ पाया। वे प्रायः मेरे घर आती, वहाँ प्रायः खाना पीना भी करती और माँ के काम धाम में भी हाथ बटाती। और जब मैं कुछ समझता नहीं था तो एक दिन माँ से कहा था, ये रोज़ रोज़ मेरे घर क्यों आया करती हैं और यहीं क्यों खाती पीती हैं, और इन्हें लगातार घूमते ही देखता हूँ। माँ ने एक बार मुझे भरकर देखा और बोली, ऐसा नहीं कहना बेटे, और तुम्हें तो कहना ही नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं कहना चाहिए? इसलिए कि ये ना होती तो तुम भी ना होते, तुम्हारी ज़िंदगी इन्हीं की दी हुई है। मैं विस्मय से देखता रहा, समझ नहीं पाया कि माँ कह क्या रही है। अरे मैं तो अकेली रह रही हूँ, कोई आगे ना पीछे, ना सास ना जेठानी ना देवरानी, ननदे ब्याहकर ससुराल चली गई थी, बस जगरानी ही मेरा हाथ गुड़ थी। जब तुम पैदा हुए तब भी यह हमारे यहाँ आ गई थी, और तुम्हारे पैदा होते ही मैं बेखबर सो गई। दाई नार काट कर तुम्हें भी मेरे पास सुला गई थी। एकाएक जगरानी ने अंदर हल्ला किया, मैं उठी तो देखा तमाम लाल लाल चीटे कमरे में फैले हुए थे और तुम जगरानी की गोद में थे। मैं यह सोचकर डर के मारे कांपने लगी कि यह ना आई होती तो क्या हो गया होता। शहर में रहने के बाद कुछ बातें अजीब लगने लगी हैं। शहर में बच्चा साफ सुथरे वातावरण में पैदा कराया जाता है, और देहात में नाबदान वाले घर में, सीलन भरे नाबदान के कमरे में बच्चा पैदा होता है और वहीं फर्श पर जच्चा बच्चा दोनों को सुला दिया जाता है। बच्चा पैदा कराने वाली अनाड़ी दाई, नार काटने वाला उसका मुर्दार, हंसिया पढ़ो का सीलन भरा कमरा, लगता है बच्चा यहाँ भगवान के भरोसे ही जिंदा रह पाता है। फिर भी कुछ तो संजीवनी है देहात में, नहीं तो इतने करोड़ लोग आखिर कैसे जिंदा रह जाते। मुझे लगता है कि फुआ कहीं मुझसे विशेष लगाव अनुभव करती है, जैसे इन्हें इस बात का एहसास हो कि मैंने इसे बचाया, अतः यह मेरा है। माँ के द्वारा बताई गई उस घटना के बाद
मेरा मन भी उनके प्रति एक गहरी कृतज्ञता ही नहीं बल्कि गहरा अपनापन अनुभव करने लगा था। ज्यों ज्यों बड़ा होता गया त्यों त्यों उन्हें समझने लगा। पूरे गांव में उनकी खोज होती रहती और वे कभी इस घर कभी उस घर चक्कर काटती रहती, किंतु लगता जैसे चारों ओर का चक्कर काटकर उनका मेरे ही घर पर आकर ठहरता है मन, और जैसे ही मैं ही उनका बिंदु था जहां आकर उनकी सारी दैनिक यात्रा विश्राम पाती थी। लोग फुआ को क्यों बुलाया करते हैं माँ, और ये क्यों दिन भर चक्कर काटती रहती हैं, क्यों नहीं अपने घर पर रहकर कुछ करती धरती जैसे और लोग करते हैं? बेटा फुआ का घर कहाँ है? वाह, है क्यों नहीं, मैंने देखा है ना गांव में बाहर पश्चिम किनारे पर बरगद के पास किसका घर है, क्या वह फुआ का घर नहीं है? हाँ है तो वो फुआ का ही, लेकिन उसको घर नहीं कहते बेटा। तब किसे कहते हैं? अभी तुम ना समझोगे बेटा, बड़े होगे तो खुद ब खुद समझ जाओगे। वाह अजीब बात है, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और घर नहीं समझूंगा? तुम भी माँ कमाल करती हो, माँ हंस देती और फिर उदास हो जाती। माँ और सब कुछ तो मैं समझ लेता हूँ, किंतु तुम्हारा हंसना और उदास हो जाना नहीं समझ पाता। इसे भी समझ जाओगे बेटा बड़े होने पर। और मैं झल्ला कर वहाँ से हट जाता, सब कुछ बड़ा होने पर ही समझूंगा, जब मैं ही सब कुछ समझ लूँगा तो तुम लोग क्या करोगे, क्या समझने वालों का कोई जिम्मा नहीं होता? माँ का हंसना और उदास होना जारी रहता। और सचमुच मैंने बड़ा होने पर ही समझा कि घर क्या होता है। मेरी शादी हो चुकी थी और शहर में मेरी नौकरी भी लग गई थी, वहाँ मैं किराए का मकान लेकर रहता था। 7वें दिन गांव पहुँचता था तो मुझे लगता कि 6 दिन में मैं घर से बाहर हूँ, केवल 1 दिन घर पर रहता हूँ। जैसे 6 दिन तक घर मुझे पुकारता था, आखिर घर तो शहर में भी ले रखा था, किंतु लगता था कि वह घर नहीं मकान है। अब मुझे ख्याल आया कि माँ क्यों कहती थी कि तुम अभी घर का मतलब नहीं समझोगे। फुआ ने मेरे विवाह में कितना उत्साह दिखाया था, गाते गाते उनका गला बैठ गया था। उन्होंने सारे शुभ और साधारण कार्य को जैसे अपने ऊपर उठा लिया था। बहू आई तो फुआ ने माँ के साथ मिलकर उतारा और आशीर्वाद दिया। बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरी करके औरतें निकल रही थी और उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रही थी। मैं बाहर बैठा बैठा फुआ की आवाज़ सुन रहा था, कितनी प्यारी है मेरी बहू, जोड़ी का प्यार बना रहे, दूधो नहाओ पूतो फलो। निकलते निकलते एक खूसट मुँहफट बुढ़ी बड़बड़ा रही थी, जहाँ देखो वहाँ यह मनहूस औरत आगे आगे खड़ी दिखाई पड़ती है। भगवान न करे कि इसकी मनहूस छाया किसी पर पड़े। और औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं सुनकर तिल मिला गया, शायद भीतर बैठी माँ फुआ आदि ने भी सुन लिया हो। घर के अंदर रह रहकर गीत चलता रहा। गाने वालों में फुआ की आवाज़ उभरती रही, किंतु मुझे लगता था कि उनकी आवाज़ में वह अटूट लय नहीं रह गई थी, कांप कांप जाती थी। हो सकता यह भी मेरे मन का भ्रम हो। देखा कुछ देर बाद फुआ चली गई, सब लोग खा पी चुके, तो मैंने माँ से पूछा फुआ कहाँ गई? माँ ने मुझसे कहा जाओ फुआ को बुला लाओ तो, माने और कहना माँ ने खाना खाने को बुलाया है। अरे वे चली क्यों गई थी? अरे यहाँ क्या रहकर क्या करेंगी, उनके अपने यहाँ भी तो कुछ काम हो सकता है, मेरी इतनी सहायता की और कौन करता। मैं फुआ के यहाँ पहुँचा, अंधेरे सन्नाटे में डूबा हुआ घर, घर में अंधेरा, सोचा फुआ नहीं। फिर पास जाकर देखा तो कमरा बाहर से बंद नहीं था, घर में ही होंगी, और घर भी क्या एक कमरा, बाकी सब कुछ गिरा हुआ। एक अजीब अनुभूति होती है इस कमरे को देखकर। कमरे के चारों ओर टूटे हुए मकान का उजाड़, इस उजाड़ के चारों ओर एक खालीपन, और उस खालीपन के कुछ दूर बाद गाँव, वृत्त में वृत्त। मैंने कमरे के पास खड़ा होकर आहट लेने की कोशिश की, लगा भीतर कोई सिसक रहा है। फुआ, मैंने जोर से पुकारा, चुप्पी सी छाई गई। फुआ कौन? मैं हूँ सुरेश। आई चारपाई के चरमराने की ध्वनि भी संग आई, लगता है वे लेटी हुई थी। आकर भीतर से कमरे की कुंडी खोली। ओ फुआ, दिया जला लिया होता, इतना अंधेरे में क्यों लेटी हुई हो? अंधेरा अंधेरा मुझे अच्छा लगता है रे बेटा सुरेश, जब मैं घर में अकेली हूँ तो रोशनी जलाकर मुझे किसका मुंह देखना है, अंधेरे में तो यह होगा कि मेरा कोई मनहूस चेहरा भी ना देख पाएगा। मैं सन्नाटा सा खा गया, तो फुआ उस खुसट बुढ़िया की बात सुन ली थी। मैंने अनजान बनकर कहा, फुआ तुम्हारा चेहरा कैसे मनहूस हो गया, यह तो तमाम मनहूस घरों में रौनक ला देता है। जो बेटा अपने घर में रौनक ना ला सका, वह दूसरों के घर में क्या रौनक लाएगा। मैं सोचने लगा कि आज फुआ की गहरी चोट लगी है, आज तक कभी भी मैंने उन्हें उदास नहीं देखा, उन्हें गाते बजाते हंसते बोलते दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते ही देखा है, आज अचानक इन्हें क्या हो गया, या हो सकता है
रोज ही ये अपने घर में अकेले इसी तरह आकर सिसकती हूँ। लोग तो इन्हें बाहर ही बाहर देखते हैं, घर के अकेले में तो कोई नहीं देखता। मुझे माँ का कहा याद आ गया, बुआ का घर कहाँ है? सचमुच अकेलेपन से भरा घर कोई घर होता है? और मेरे सवालों पर माँ का हंसना और उदास हो जाना भी याद आया। जाओ भैया, यहाँ से बहू जी से कहना मुझे भूख नहीं है। तो ठीक है फुआ, भूख मुझे भी नहीं है। मैं भी आज तुम्हारे साथ इसी अंधेरे में रहूँगा और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। धत पगले, रोता कौन है रे? रोत और तो तू क्यों रोएगा? रोए तेरे दुश्मन। आज तो तेरे जीवन की सबसे मीठी रात है, चांद सी दुल्हन पाई है। और मेरा क्या, मुझे लगता है जैसे कुछ कहते कहते वे कहीं खो गई हों और किसी सुदूर अतीत की गहराइयों में डूब गई। अंधेरे में उनके चेहरे की प्रतिक्रिया तो दिखाई पड़ती नहीं थी, बस अनुमान ही लगा सकता था। मैं इस बीच अंदाज से टटोलता हुआ उनकी चारपाई तक चलाया और उस पर लेटता हुआ बोला, अच्छा फुआ, मैं तो अब सो रहा हूँ, तुम्हारा फैसला हो जाए तो जगा देना। उठ चल शैतान, तू ना मानेगा, यह हुई ना कुछ बात, कहता हुआ चारपाई से उठाया और फुआ को घसीटता हुआ बाहर ले चला। अरे रुक, तो ताला तो बंद कर दूँ। ताला? हाँ ताला, वैसे इस घर में है क्या जो कोई ले जाएगा, लेकिन कुछ चोर इतने घटिया किस्म के हैं कि गुदड़ी तक उठा ले जा सकते हैं। घर में बैठने के बाद सोचते हूँ कि भागते भूत की लंगोटी ही भली। मैं हंसाता, वारे फुआ, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत विकसित है। यह क्या होता है रे? वही जो तुम अभी कह रही थी। हम दोनों ठटाकर हंस पड़े। उस रात लेटा हुआ मैं फुआ के बारे में ही सोच रहा था कि कोई मुझे बुला ले गया। इस बार जितने दिन घर रहा, रात को फुआ के बारे में सोचना चाहकर भी नहीं सोच सका। किंतु जब शहर आया तो रात कटने का नाम ही नहीं लेती थी। पहली बार लगा कि रात इतनी भारी होती है। बार बार बीवी का चेहरा याद आता, उसके साथ बीते हुए क्षण, उसके साथ समय बिताने की सप्रिया कचोटती थी। धीरे धीरे जगरानी बुआ की भी याद आने लगी। उस दिन माँ से किया हुआ संवाद याद आ रहा था। क्यों माँ, जगरानी फुआ क्यों घूमती फिरती है? अपने घर पर रहकर कुछ करती धरती क्यों नहीं? तब माँ ने कहा था, फुआ का घर कहाँ है? वाह रे, क्यों नहीं है? मैंने देखा है। तुम अभी नहीं समझोगे बेटे, बड़ा होने पर समझ जाओगे। और समय बोध के साथ समझता गया कि घर का मतलब मकान नहीं होता, कुछ और होता है। कुछ और यानी किसी और का अपना हो जाना। वैसे तो बचपन में व्यक्ति अपनों के बीच में ही होता है, लेकिन यह विचित्र बात है कि अपने धीरे धीरे अपर्याप्त लगने लगते हैं और धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, और एक पराया व्यक्ति निहायत अपना हो जाता है। घर का अर्थ है अपनेपन का साक्षात्कार। यह अपनापन बदलता या विकसित होता रहता है। बचपन में माँ बाप भाई बहन के अपनेपन से घर बनता है, जवानी में पति या पत्नी के अपनेपन से घर दीवारों का घेरा नहीं है। घर वह है जिसकी दीवारों पर गुनगुनी धूप की पंक्तियां लिखी होती हैं, जिसके अवकाश में धरोशन दूध की तरह स्पर्श की उष्मा तैरती रहती है। फुआ का घर क्या है? जब से मैंने होश संभाला, फुआ को अकेले ही देखा। और घर उसमें क्या था? गिरे हुए मकान में गिरने पड़ने से रुका सा एक कमरा, जिसमें घर के कुछ पुराने टूटे फूटे सामान, कुछ कपड़े लत्ते बिखरे बिखरे पड़े होते। उसमें हमेशा मुझे एक सीलन सी अनुभव होती। बचपन में मैं तो उस घर की इस हालत के प्रति सचेत नहीं हो सका, किंतु ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, इस घर की अपनी है निजी पहचान मेरे भीतर उतरती गई। और जब मुझे यह मालूम हुआ कि घर केवल घर नहीं, फुआ की भीतरी जिंदगी का प्रतिरूप है, तब से यह पहचान अधिक सक्रांत हो गई। माँ बताती है, जगरानी के पिता धनी आदमी थे, उनके पास काफ़ी खेत थे। वे जगरानी के बचपन में ही मर गए। जगरानी अपने बाप की इकलौती संतान थी। अब बची केवल जगरानी और उसकी माँ। कितने कठिन दिन थे उनके लिए, लेकिन जगरानी के बाप का भरपूर प्यार मिला था और माँ का भी उतना ही। सारे संघर्षों के बीच माँ बेटी का आपसी प्यार उनकी शक्ति बन गया था, वे टूटी नहीं। धीरे धीरे माँ आवश्यकतावश खेत बेचती गई, और जब जगरानी जवान हुई तो माँ को शादी की चिंता हुई। जगरानी की जवानी फागुनी हवा की तरह फटी पड़ी रही थी। क्या खूबसूरती थी, माँ को चिंता खाए जा रही थी। राण की बेटी कभी राण को असह ही समझते हैं, पता नहीं कौन उसकी बेटी की जवानी को कलंकित कर दे। तुम्हारे सोहन भैया अक्सर हमारे घर पर ही रहते थे। तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी की अद्भुत लाडली बहन थी, वे भी प्रायः यहीं रहती। जगरानी की माँ ने जगरानी के लिए सोहन को पसंद कर लिया और तुम्हारे पिताजी की कोशिश से शादी भी हो गई, लेकिन सोहन के पिता एकदम लालची थे, करकरे सुकूल जो ठहरे। भला उतनी ऊंची जाति आसानी से कहाँ मिलती है, उन्होंने मुंह फैला दिया। जगरानी की विधवा माँ को बेचैनी सी थी,
अपनी बेटी की सही सलामत पार्क लगाने की, मगर बेचारी के पास पैसे थे कहाँ, काफ़ी खेत रहन भी रखने पड़ गए। सुकुल जी की सुकुल आत्मा तब भी तृप्त नहीं हुई। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे फूफा जी से बारात में झगड़ा हो गया। मैं कल्पना करता हूँ कि जगरानी बुआ भी गहमा गहमी के साथ ससुराल गई होंगी, गाने बजाने के बीच उतरी होंगी। औरतों ने उनका सूर्यमुखी सा चेहरा देखकर तरह तरह की प्रशंसा भी की होगी या ईर्ष्या से जली होंगी, और फूल सी सुहागरात आई होगी जिसमें जगरानी फुआ ने ना जाने कितने सपने देखे होंगे। उन्हें अनुभव हुआ होगा कि जन्म जन्मांतर से प्यासी आत्मा जिसकी खोज में थी वह मिल गया। अपनी माँ के अपनापे का दायरा तोड़कर वह उस अपनापे के घेरे में आ गई जहाँ दो तन एक तन और एक मन हो जाते हैं और जहाँ से आत्म विस्तार होता है। हाँ, आत्मविस्तार। उन्होंने आंखें मूंद कर देखा होगा कि उनका अपना एक घर है जिसमें वे हैं, उनका प्रियतम है, उनके कोख में उगते हुए कुछ कमल के फूल हैं। जागते रहो, पहरेदार की आवाज लुक की तरह सन्नाटे को चीर गई। अरे इतनी रात चली गई, यहाँ तो यूं ही जागे हुए हैं भाई, काहे को चिल्लाते हैं। अजीब बात है, रात सोने के लिए होती है और पहरेदार चीखता है जागते रहो। आखिर लोग निश्चिंत सोने के लिए ही तो पहरेदार लगाते हैं। अगर हमें जागना ही होता तो तुम्हारा क्या काम है भाई। इतनी रात हो गई, मुझे सो जाना चाहिए। मैंने सोने की चेष्टा की, फिर ध्यान उचट कर घर की ओर चला गया। मैं सो रहा था और मन जाग रहा था। ऐसे ही कभी कभी लगता है कि दुनिया में काम काज के बीच मन का एक दर्द भरा पहलू सा हो गया है, लेकिन वे सोया नहीं होता। क्या जगरानी फुआ के साथ ऐसा ही नहीं है? वे गाती हैं, बजाती हैं, लोगों की सेवा करती हैं। इस गांव से उस गांव तक के सामाजिक और सांस्कृतिक समारोह उनकी भागीदारी के बिना संभव नहीं हो पाते। दूसरों की खुशियों को अपनी खुशियां बनाकर वे हंसती मुस्कुराती, लेकिन मन के भीतर दर्द की एक ऐसी टीस सोई है जो घर के एक हिस्सा बन गई। और मुझे लगता जब फुआ बाहर की दुनिया में हवा के झोंके की तरह उड़ने के बाद घर लौटती होंगी तो वह टीस जाग पड़ती होगी। लगता है वे इस चीज से भागने के लिए ही बाहर की दुनिया में खो जाना चाहती हैं। लेकिन यह दुनिया भी क्या है, कोई ना कोई बात ऐसी उछाल देती है कि फुआ घर में आकर बहरा पड़ती होगी और वह टीस जाग पड़ती होगी। वह टीस तो वैसे भी इस घर की चार दीवार में समाई होगी, जिसे देखते ही फुआ का सामाजिक मन अकेलेपन की लपेटे में आ जाता है। मैंने फुआ को उस दिन जिस रूप में देखा वह रूप प्राप्त होता होगा। माँ बताती है कि जगरानी के शादी के साल भर बाद आई तो उदास सी लगी, कुछ दुबली भी हो गई थी, पूछने पर कुछ बताती नहीं थी। वैसे तो मुझे मालूम था कि सोहन के घर खाने पीने की कमी रहती है और ननंद जी थोड़ी खर दिमाग है, फिर भी यह आशा नहीं थी कि साल भर में ही बहू के साथ कुछ ऐसा वैसा रंग दिखाएंगी, बहू बुझ जाए। इसलिए मैं बार बार जगरानी से पूछती थी, कहो क्या बात है। कुछ नहीं भाऊजी, सब ठीक है। होली के आसपास के दिन थे, जगरानी का कंठ ही प्यारा नहीं था, वे गाने बजाने में भी उत्साह से भाग लेती थी और होली के अवसर पर तो उनकी मस्ती की बात ही मत पूछो, लगता था फागुनी हपा हो गई है। गाती हुई घर से लेकर खेत खलियानों बाग बगीचों तक उड़ती फिरती, लेकिन इस बार चुप थी। मैंने अपने साथ गाने को बहुत उकसाया लेकिन वे चुप रहीं। बहुत कोचने पर दो चार कड़ी गाती थी, फिर उनका स्वर कांपने लगता जैसे गाते गाते सामने कोई भयानक दृश्य देख लिया हो। उस होली में ना वे रंग खेलने निकली ना गाने बजाने। उन दिनों होली की रात को मर्दों और औरतों के बीच फाक का कंपटीशन होता था, वह रात भर चलता था। औरतों में केवल बहुएं ही नहीं गांव की लड़कियां भी होती थी और जगरानी की उसमें मुख्य भूमिका होती। इस वर्ष में वे इससे भाग नहीं ले सकी और औरतें हार गईं। कुछ दिनों बाद ननद जी आईं तो उनसे जगरानी के बारे में पूछने की इच्छा हुई लेकिन चुप रही। वे एक दिन बाद खुद ही बरस पड़ी, ना जाने तुम लोगों ने कैसी बहू दिला दी। क्यों, क्या हुआ ननद जी, हुआ क्या, उसकी तो कोख ही ठस लगती है। अरे अभी साल भर हुआ है, साल भर में आपने कोख का फैसला कैसे कर लिया। अरे जिसकी कोख फलनी होती है ना तुरंत फल जाती है, नहीं फलनी होती तो नहीं फलती। मेरा तो एक ही बेटा है, अगर सचमुच उसकी कोख ठस निकली तो मेरा तो वंश ही डूब जाएगा। वाह रे ननद जी, आप तो बहुत जल्दबाजी निकली, लगता है आपने जगरानी को कुछ कहा है, तभी उदास उदास सी लगती है, पूछने पर कुछ बोलती नहीं। अरे मैं तो कहूँगी भी नहीं, क्या मैं किसी से डरती हूँ। डरोगी क्यों, आग लगाने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। हमारे घर में क्या तुमने कम आग लगाई है, मुझे अपने लाडले भाई से कम पिटवाया है, अब अपने घर को उजाड़ने पर तुली हो। तुम्हें सोचना चाहिए ना कि वह तुम्हारी बहू ही नहीं है, तुम्हारे अपने मायके की है, बहन लगती है। ननद जी कुछ देर तक तो बलबलाती रही, फिर चुप हो गई, शायद अपने भाई साहब से नालिश भी की। लेकिन भाई साहब को शह देने वाली उनकी प्यारी माँ यानी मेरी सास अब नहीं थी,
इसलिए वे चुप रहे, बल्कि बहन को ही डांटा। लेकिन मुझे लग रहा था कि अघटित घटेगा, फिर भी विश्वास था कि जगरानी की घोंघ भरेगी और तमाशे नहीं होने पाएंगे। और कहीं नहीं भरी तो? कहते कहते माँ भर आई। जैसे इतने दिन पहले घटित घटनाएं अभी भी ताजा है। पहले तो माँ कुछ पूछने पर हंसती और उदास हो जाती थी, लेकिन मुझे अब चीजों को समझाने का पात्र जानकर घटनाएं बयान कर देती थी टुकड़ों टुकड़ों में। और अब ना जाने कितना कुछ जान गया हूँ फुआ के बारे में। माँ का बहुत गहरा लगाव है फुआ से, एक अच्छी ननद भाभी का सा लगाव। लगता है मेरी असली फुआ की जगह जगरानी फुआ से ही उन्होंने ननद का सुख पाया। कभी कभी उनसे मजाक की नोक झोंक भी कर लेती थी। एक बार मेरी हालत खराब हो गई, मैं खड़ा था और दोनों में नोक झोंक हो रही थी। माँ से मैंने कहा, क्यों फुआ को परेशान कर रही हो माँ? तू इन्हें फुआ क्यों कहता रहे? ये तो तेरी भौजी है। भौजी? हाँ भौजी, तेरे सोन भैया की बीवी नहीं है ये? आसी ने भौजी कहा कर फुआ के गल लाल लाल हो गए और मैं भी शर्मा कर चला गया। धुत, सचमुच रिश्ते कितने विचित्र हो जाते हैं कभी कभी। फुआ और भौजी साथ साथ। घंटा बजा, टन टन टन, 12 बज गए। अब सोना चाहिए, नहीं तो कल ऑफिस में काम कैसे होगा? एक चेहरा मेरी आंखों में भर गया। इसी तरह वह भी जाग रही होंगी। कितनी प्यारी मासूम आंखों से उसने पहली बार मुझे देखा था। वे आंखें अभी भी मेरी आंखों में भरी हुई थी। हर बहू अपनी प्यारी मासूम आंखों में एक सपना भरे होती है। और धीरे धीरे मेरी बहू की आंखें फुआ की आंखें बनती चलेगी। और फुआ, माँ ने बताया था, 4-5 साल बीत गए और जगरानी की खोक नहीं फली। जगरानी भुसती चली गई। उनके प्रति सास ससुर पति सबका व्यवहार रूखा होता चला गया। वे रूखे व्यवहार से उतनी परेशान नहीं थी जितनी भविष्य के डर से। उनके लाल लाल गोल गोल गाल पिचक गए, उन पर झाइयाँ पड़ने लगी। एक दिन वे आई और फफक कर रोने लगी, भौजी क्या है रे जगरानी? वे लोग कौन लोग? रोते रोते उनकी गिग्गी बन गई। मैंने उन्हें छाती से भर लिया। बोलो ना ननद रानी, क्या हुआ? वे लोग उनकी दूसरी शादी कर रहे हैं? हाँ। ऐसे चिल्लाई जैसे कसाई के खूंटे पर गाय बांक कर रही हो। उस दिन तुम्हारे पिताजी और मुझ में खूब झगड़ा हुआ। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि क्या मर्द कहीं कहीं शादियाँ नहीं करते? इसमें कौन सी अनहोनी बात हो गई? आखिर बहन को एक ही लड़का है, उनका वंश भी तो चलना चाहिए। वंश कैसे नहीं चलेगा? बच्चा नहीं पैदा होता तो लोग दवा दारू करते हैं, मनौतियाँ मानते हैं, यह सब फेल हो जाए तब आदमी दूसरी शादी की सोचता है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ यह सब कुछ नहीं हुआ है? मालूम है, मुझे सब मालूम है, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी बहन और बहनोई दहेज के लालच में सोहन की दूसरी शादी करना चाहते हैं और इस असहाय लड़की को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकना चाहते हैं। तुम समझते क्यों नहीं इन दोनों लालचियों को? तो तुम ही जाकर समझाओ, मैं इनसे झमेलों में नहीं पड़ता। पढ़ोगे क्यों नहीं? तुम्हें एक और बारात करने का मौका मिल जाएगा, जो थोड़ा राग रंग रहेगा। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद तो होती हो तो हो। पिताजी झल्ला कर चले गए, किंतु माँ बहुत गुस्से में रही। कई दिन तक उन्होंने खाया पिया नहीं। जगरानी की व्यथा उनकी व्यथा बनकर नस नस में भर गई थी। आखिर सोहन भैया की दूसरी शादी हो गई। शादी से पहले सोहन भैया ने जगरानी फुआ को बहुत समझाया कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा, तुम दोनों सौत की तरह नहीं बहनों की तरह रहना। किंतु जगरानी फुआ कुछ नहीं बोली। वे स्तब्ध हो गई थी, ना किसी से बोलना, ना चालना, ना गाना, ना बजाना। शादी व सजीव माहौल में जैसे वे एक निर्जीव सत्ता भर हो। फुआ सवेरे सवेरे बहुत उत्साह में उठी, आज दुल्हन आएगी। मगर उठकर देखा कि जगरानी घर में नहीं थी। इधर देखा उधर देखा किंतु कहीं नहीं मिली। माँ बताती है कि जगरानी बहुत सवेरे उठकर यहाँ चली आई थी। उसकी माँ ने कहा, क्यों बेटी, आज तुम्हारे यहाँ तो दुल्हन आने वाली है और तू यहाँ चली आई? हाँ रे माँ, चली आई। क्या तुझे बुरा लगा? बुरा का सवाल नहीं रे, आखिर तेरा घर तो वहीं है ना, जहाँ सौत आती है वह घर होता है माई। तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं बोलो, मैं कहीं और चली जाऊँ, रन में, वन में, नदी नाले कुएं में, लेकिन मैं जीते जी सौत का मुँह तो ना देखूँगी, ना ही सौत की सेवकाई नहीं करूँगी। नहीं बेटी, रनवन में जाए तुम्हारे दुश्मन, तुम यहीं रहो। तुम मेरी बुढ़ौती का सहारा भी रहोगी तो तुम्हारा जीवन कट जाएगा। आखिर ये खेत बारी तो तुम्हारी ही है, कहकर जगरानी को उसकी माँ ने गोदी में भर लिया और दोनों देर तक रोती रहीं। सोहन बुलाने आए तो जगरानी ने जाने से साफ मना कर दिया। सोहन ने डराया, धमकाया, खुशामदे की, पंचायत बुलाने तक की भी धमकी दी। लेकिन जगरानी ने जो एक बार निर्णय लिया उसी जिद पर अड़ी रही। तो फिर समझ लो मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। जहाँ तक आपका मुझसे वास्ते का सवाल है उसे तो आपने तोड़ ही दिया है, और जहाँ तक आपसे मेरे वास्ते का सवाल है उस पर आपका बस नहीं। तो ठीक है,
सोहन झल्लाकर चले गए। तुम्हारी बतासी फुआ भी आई, उन्होंने भी आंधी पानी की तरह बहुत लहलहल किया, किंतु जगरानी उनसे मिलने ही नहीं आई। यही औरत तो विष की जड़ है, इससे क्या मिलना। गांव वाले ने भी जगरानी के बारे में मुँह बहुत कुछ कहा। अरे भाई, कौन सी आफत आ गई, सब लोग करते हैं। यह लौड़िया सारी जिंदगी ऐसे ही नहियर में पड़ी रहेगी, उनकी सारी जवानी पड़ी है, कहीं पाँव ऊँच नीच ना पड़े। तो वह तो पड़ेगा ही, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका फल सामने तो आएगा नहीं, बांझ खोने में यही तो फ़ायदा है। जगरानी के बारे में ऐसी ऐसी बुरी बातें कहीं सुन लेती तो मन तीता हो जाता, इच्छा होती कहने वाले का मुँह नोच ले। लेकिन किस किस का मुँह नोचे, नारी के बारे में इस तरह रामचर्चे सनातन काल से चले आ रहे हैं। जगरानी एकदम बुझ गई थी, ना निकलती ना बैठती, घर के किसी कोने में उदास पड़ी रहती। एक दिन मैंने उनसे कहा, फूल सी औरत छोड़कर सोहन एक पहाड़ उठा लाए और पूरा घर खुश है उसको लेकर। मेरी ननद महारानी बड़ी बड़ाई कर रही थी, मैंने तो उन्हें जी भर पिला दिया, लठायत घर की है, तुम लोग उसके साथ कुछ करोगे तो खैर नहीं। जगरानी के आगे पीछे लठायत घर होता तो तुम लोग की यह हिम्मत नहीं पड़ती, उस बेचारी समझकर दूध की मक्खी की तरह तुमने निकाल दिया। ननद जी नाराज हो गई और तनक तनक कर बोली, तुम हमेशा उसी का पक्ष लेती हो, उसे निकाला किसने, वह तो खुद ही निकल आई। क्या उस बांझ को लेकर हम अपने वंश को निर्वंश कर देते। सोहन का क्या बिगड़ा, वह तो नई औरत के साथ मग्न है, अब वह उसके ठसके से यहाँ आई है, ना जाने का हट ठान लिया तो मरे रो रो कर, देखिए इसका घमंड कब तक रहता है। जगरानी की उदास पलके थोड़ा फड़फड़ाई, होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, चेहरे पर एक विषय का भाव। वह उठ खड़ी हुई। बहू जी, कह देना अपनी ननद जी से कि मैं मर जाऊंगी लेकिन दरवाजे पर घुटने टेकने कभी नहीं आऊंगी, और मैं मरूंगी नहीं, जीने के लिए पैदा हुई हूँ। और वे उसी समय चौताल की एक कड़ी गुनगुनाने लगी। यह निर्णय उनका बड़ा अच्छा लगा। दो दिन बाद होली पड़ी। रात को मर्दों और औरतों का फाक का कंपटीशन शुरू हुआ। आधी रात गुजर गई, औरतें कमजोर पड़ने लगी। पुरुषों द्वारा गाए गए चौताल या बसवारा का भावनाकुल उत्तर नहीं दे पा रही थी औरतें, वे व्यंग करने लगे कि एकाएक पासा पलट गया। औरतों ने देखा कि जगरानी आकर उनके बीच बैठ गई। पुरुषों ने एक नए स्वर का अनुभव किया, जगरानी आ गई है क्या, और फिर कंपटीशन में जान आ गई। फिर तो जगरानी फागमय हो गई। दूसरे दिन उसकी मस्ती देखकर लोग दंग रह गए। आसपास की लड़कियों का झुंड बना लिया, होली गाती हुई रंग खेलने लगी। गाँव भर की सहेलियों और भाभियों से वह रंग खेला कि वृंदावन मात हो गया। उसी तरह की निगाहें और आवाजें उन पर उठी और गिरी, लेकिन आज तो वह जैसे हवा बनकर सूखे पत्तों की तरह सारी निगाहों और आवाजों को कुचलती हुई बहने पर आमदा हो गई। मैंने कहा, ननद जी यह हुई ना कुछ बात। हाँ बहू जी, अब बात वहां पहुंचेगी कि मैं किसी के बिना भी मस्ती में जी सकती हूँ। टन टन करते हुए 2 बज गए, अब सो ही जाना चाहिए, कोशिश की और पता नहीं कब सो गया। और इस बार ना जाने क्या हो गया, जब भी मैं सोने जाता घर मेरी आंखों में उभर आता और पत्नी का चेहरा अंधेरे में कमल के फूल की तरह खिल जाता, और मैं उस चेहरे से होता हुआ जगरानी फुआ के चेहरे तक पहुंच जाता। ना जाने कितनी सुनी सुनाई उस चेहरे के इर्द गिर्द मंडराने लगती और पंक्तिबद्ध खड़ी हो जाती जैसे कथा हो। जब मैंने होश संभाला, फुआ 35 पार कर गई थी, तब से मृत्यु तक मैंने उन्हें ही रूप में देखा, लेकिन मैं तो सौत की अदेखी छोड़कर लौटी हुई फुआ के जवान चेहरे को देखना चाहता था। कैसे लगता रहा होगा वह चेहरा, एक सुंदर चेहरा जिस पर ना जाने कितने ताजा ताजा भाव एक दूसरे को काटते हुए या एक दूसरे में गूंथते हुए उभरते रहे होंगे। पति प्रेम, सौत के प्रति नाराजगी, जीवन का खालीपन, एक असुरक्षा और यातना का बोध, फिर ऊर्जा के साथ एक चुनौती भरी मुद्रा में उठ खड़ा होना और हंसते गाते यात्रा के साथ हो लेना। फुआ और उनकी बूढ़ी माँ खेतों में काम करते रहते हैं, बिकते बिकते रहन चढ़ते चढ़ते खेत काफ़ी कम रह गए थे। गरीबों के रहन चढ़े खेत या गहने कभी लौटते नहीं, उन्हें लौटा लेने की शक्ति वे कहीं बटोर पाते हैं। बचे हुए 7-8 भीगे खेतों में से कुछ बटाई में दिए गए थे, बाकी खेतों में माँ बेटी काम करती थी, खेत बोती थी, निराई करती थी, सिंचाई करती थी, काटती थी, ढोकर खलिहान में लाती थी, दवरी करती थी। साथ में एक हलवाहा होता था, 2 बैल थे, उनका सानी पानी भी होता था, उसके लिए घास भी उखाड़ लाना होता था, फिर घर में चूल्हे चक्की का काम था। लेकिन फुआ के चेहरे पर कभी कोई शिकन ना आता, उन्हें जैसे हर काम में एक चुनौती नजर आती, जैसे वे महसूस करती थी
कि कोई उन्हें देख रहा है और व्यंग में से मुस्कुराकर कहना चाहता है, चख लिया घर छोड़कर आने का फल। वे किसी को इस प्रकार व्यंग से हंसने का मौका नहीं देना चाहती, इसलिए स्वयं हंसती रहती। नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं, स्वाभिमान से जीने की मजा ही कुछ और है, और इस जीने के लिए जी कठोर मेहनत करनी पड़ती है, उसका आनंद अनुभूत अद्भुत है। नहीं, वे अपने फैसले पर पछता नहीं रही हैं, बहुत संतोष पा रही हैं। फूआ थकी मानी होती तो माँ के पास आकर बैठ जाती। माँ पूछती, कहो कैसी हो, थकी हुई लग रही हो? अरे ना बाबूजी, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा कुछ खा पी लो, अभी जाकर कुछ बनाती हूँ ना। अरे यहीं खा लोगी तो क्या हो जाएगा? और माँ, उनके लिए जाकर बना देना। एक दिन माँ का सिर दुख रहा था, फूआ आई तो बोली, क्या बात है भौजी, उदास क्यों? कुछ नहीं, जरा सिर दुख रहा है, लाओ दबा दो। अरे नहीं नहीं अभी दबाया था बिटिया से। अरे उसके दबाने में और मेरे दबाने में फ़र्क है भौजी। क्यों, तुम क्या मंत्र जानती हो? हाँ मैं मंत्र जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ। माँ मुस्कुराई, लेकिन फूआ गंभीर हो गई और माँ का सिर पकड़कर दबाने लगी। कुछ मुँह में मंत्र भी बुदबुदाने लगी। माँ को हंसी आ रही थी फूआ के इस नाटक पर, लेकिन फूआ पूरी गंभीरता से इस कार्य में जुटी थी। काफ़ी देर बाद उन्होंने माँ का सिर छोड़ा तो माँ राहत अनुभव करने लगी। क्यों, ठीक हो गया ना भौजी? अरे यह मंत्र कहाँ से सीखा रहे ननद जी, किसी जोगी के पाले पड़ गई थी क्या? अरे तुम तो मजाक करने लगी भौजी, मैंने सचमुच सीखा था। मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसी ने सिखाया, मैंने सीख लिया। चलो कभी कभी पति देव का मंत्र असर दिखाने का मौका मिलेगा, कहते कहते वे उदास हो गई। माँ ने लक्षित किया, बोली, अरे सचमुच फायदा हो रहा है ननद जी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सच, जादू भौजी? हाँ रे। और लगा कि फूआ का चेहरा रुआंसा हो गया, अब रो पड़ेंगी तब रो पड़ेंगी, और वे झटके से उठकर चली गई। माँ अवाक देखती रही और काफ़ी देर तक फूआ के ख्यालों में ही खोई रही, और काफ़ी देर बाद उन्हें मालूम हुआ कि उनका सिर दर्द कम हो गया है। क्या सचमुच जगरानी मंत्र जानती हैं? उन्होंने मजाक मजाक में कुछ लोगों से कह दिया, फिर तो पूरे गांव में मशहूर हो गया। फिर जिसे देखो वही फूआ के यहाँ चला आ रहा था सिर दर्द ठीक कराने। फूआ ने मंत्र की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए कुछ तामझाम भी शुरू कर दिया। वे हंसुआ हाथ में ले लेती और बार बार उसे उस व्यक्ति के ललाट से छुआती जाती, हाथ में उसके ललाट को निचोड़ निचोड़ कर बीच बीच में छू करके फूंक भी मारती थी। आज सोचता हूँ पता नहीं फूआ मंत्र जानती थी कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इसे सामाजिक सेवा का एक बहाना बना लिया। ऐसी सेवा लोगों में एक मनोवैज्ञानिक राहत भी भरती है और स्वयं को एक सामाजिक सार्थकता प्रदान करती है। एक दिन माँ उदास बैठी थी कि फूआ आ गई। क्या बात है भाऊजी, आओ ना, आओ आओ जगरानी, लो आ तो गई। बात क्या है, उदास क्यों हो, फिर सिर दुख रहा है? माँ हंस पड़ी, नहीं तो जगरानी कई दिन हो गए तुम्हारे भैया नहीं आए। कहाँ गए हैं? गए हैं मेले में बैल खरीदने। आज 8 दिन हो गए आए नहीं, जी टंगा हुआ है? लाओ मैं सगुन उचारती हूँ। अच्छा यह गुण भी जानती हो? हाँ भाऊजी, मैं कौन गुण ना जानूँ। उन्होंने सूप और लोड़ा मंगवाया, सूप का ऊपरी सिरा उंगलियों में पकड़ कर लिया और नीचे से के हिस्से पर लोड़ा रख दिया और सवाल किया कि मेरे भैया कुशल से हैं? सूप हिलने लगा। वे बीमार हैं? सूप नहीं हिला। लो भाऊजी, भैया कुशल से हैं, चिंता मत करो। उन्होंने फिर पूछा, भैया आ रहे हैं तो बताओ। और किसी ने चलते चलते चौताल की एक कड़ी छेड़ दी। फूआ ने सुना उनके हाथ में उठा हुआ सूप जोर जोर से हिलने लगा। लो भाऊजी, तुम्हारे प्रियतम आ रहे हैं। और संयोग देखिए कि उस दिन पिताजी हाथ में बैल की रस्सी पकड़े आते हुए दिखाई पड़े। दोनों ने सगुन को के विस्मयकारी प्रभाव को देखा। माँ ने हंसकर फूआ की ओर देखा, अरे इनके चेहरे को क्या हो गया? लगता था जैसे भीतर का कोई वेग फूट पड़ता है, वे उसे रोके हुए हैं। माँ ने जो ही पिताजी की ओर बढ़ी, फूआ वहाँ से तेजी से खिसक गई। माँ को फूआ के एक और गुण का उजागर करने का मौका मिला। अब तो जिसे देखो वही फूआ के घर भागा जा रहा है। बहुएं तो उन्हें अपने पास बुला भेजती थी, तरह तरह की बातें करती। बातें जानने के लिए लोग उनसे सगुन उचरवाते। किसी को पास होना है तो किसी की कोई चीज खो गई, किसी का पति कहीं गया है या नहीं, कब आएगा, ये सब। और फूआ ने माँ द्वारा प्रचारित इस गुण को भी पूरे तामझाम के साथ विकसित किया। उन्होंने सूप और लोड़ा के अतिरिक्त सगुन के और भी कई नए तरीके निकाल लिए। सांस रोककर और छोड़कर पहले भूमि का बांधती, फिर अपने अन्य साधनों का प्रयोग करती। मैंने बहुत बाद में उनसे एक दिन पूछा था, फूआ क्या तुम्हें अपनी सगुन विद्या में विश्वास है? वे मुस्कुराई और बोली, यह तो मैं नहीं जानती, किंतु इतना जानती हूँ कि लोग विश्वास करते हैं। कितने छोटे छोटे सुख हैं लोगों के, कितनी छोटी छोटी आशाएं हैं लेकर जीते हैं। सगुन उनके दुखों को थोड़े भुलावे में डालकर उनके सुखों और आशाओं को सहलाता है। लोग इनके सहारे जीने चलते हैं,
मैं उनके जीने के सहारे को का एक छोटा सा टुकड़ा बन जाती हूँ। यह मेरे जीने के लिए भी कितना ज़रूरी बन जाता है बेटे। मैं चकित रह गया। यह अपड़ औरत अपने अनुभव के बल पर कितनी बड़ी बात सिखा गई। पंडितों की किताबी भाषा से जीवन के अनुभव की यह भाषा कितनी भिन्न और ठोस है। माँ बताती है, जगरानी को विचित्र विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। वे कभी कभी अपनी ही सद्भावना के जाल में फंसकर फड़फड़ाने लगती थी कि सगुन विद्या बहुत मशहूर हो गई थी। एक दिन की बात है, मैं पड़ोसी के घर गई हुई थी। उस घर की एक बहू ने जगरानी को बुला भेजा था। वह आई तो बहू बहुत दिन स्वर में बोली, फुआ जी जरा सगुन उचारिए कि मेरी गोद कब भरेगी। जगरानी को जैसे करंट मार गया, बोली कुछ नहीं, जैसा कुछ ना सुना हो, उचारिए ना फुआ जी। फिर दिन स्वर में गिर गया। मुझे लग गया कि जगरानी के भीतर क्या चल रहा है। और बहू ऐसी कि बिना कुछ समझे सोचे समझे घाव कुरेदती जा रही। मुझे लगा कि जगरानी इस प्रसंग को टाल जाना चाहती है, किंतु फिर पता नहीं क्या सोचा कि अपने सागुन का तामझाम फैला दिया। लग रहा था कि कुछ वे निश्चेष्ट भाव से कुछ कर रही है। काफ़ी देर बाद पता चला कि क्या सोच समझ कर कहा, सगुन बता रहा है कि कुछ अच्छा होगा, ठीक ठाक बताइए ना फुआ। अरे यह क्या ठीक ठाक बताएगी, ऐसे ही बताने वाली होती तो अपना ना बता देती। अपना के पवती ना तीन गीत गवती। लोगों ने देखा कि पड़ोस की मशहूर खुसर बुढ़िया वहाँ उपस्थित होकर जहर उगल रही है। पता नहीं वह कब से छिपकर यह सब देख रही थी। जगरानी तो वहाँ से आंधी की तरह उठी और फफकारती हुई चली गई। लेकिन हम सब ने मिलकर उस बुढ़िया की अच्छी दुर्गति की। लेकिन वह बेशरम हम सब से लड़ती रही। जीवन भर उसने यही तो किया है। कुछ दिन तक जगरानी सगुन उचार से बचती रही, लेकिन फिर गाड़ी पटरी पर आ गई। सगुन उचार उनकी जीविका के साधन के रूप में भी काम आने लगा। लोग सगुन उचार के बाद जगरानी के लाख मना करने पर भी उसे सीधा पिसान दे देते। धीरे धीरे जगरानी को लगने लगा कि स्वाभिमान से जीने के लिए यह भी जरूरी है। इस बार सातवें दिन जब मैं घर आया तो घर का एक अजीब नशा मेरे ऊपर हावी था। घर पहुंचा तो शाम हो गई थी। गाँव के भारी फुआ मिल गई, लगता है ये भी कहीं से आ रही थी। फुआ कहाँ से हो? कस्बे से गई थी। कस्बे? हाँ रे, बाजार करने। हाँ बाजारी समझो, लेकिन कुछ ले तो नहीं आई। अब तुम वकील बैरिस्टर की तरह जिरह करोगे? 7 दिन बाद घर आए हो, जाओ जल्दी जाओ, बहू राह देखती होगी। लगा फुआ मुझसे कुछ छिपा रही है। मैं चुपचाप उनके साथ चलने लगा। तू नाराज हो गया क्या? नाराज क्यों होगा फुआ, हर आदमी की कुछ ऐसी बात होती है जिन्हें मैं दूसरों को बताना नहीं चाहता। अब मेरी जिंदगी में ऐसा क्या बचा है जिसे छिपाऊंगी? मैं किसी और आदमी के काम से गई थी, फिर वे भारी हुए। कितनी तकलीफें हैं लोगों को, तरह तरह की तकलीफें। वे अपने आप बुदबुदा रही। कस्बे में एक बाबा जी आए हुए हैं, उनसे भभूत लेने गई थी। किस लिए? संतान के लिए। संतान के लिए? हाँ, एक औरत को लड़का नहीं हो रहा है। वह छिप छिप कर रोती है। उसकी सास और मर्द दोनों उसे ताना मारते हैं, उसकी कोख को कोसते हैं। वह मुझसे अपना हाल सुनाती है। उसी के लिए मैं बाबा जी से भभूत ले आई। हाँ, आप विश्वास करती हो? अरे मेरे विश्वास करने की बात नहीं रे, लोग तो करते हैं ना। मैं सोचती हूँ शायद इसी तरह किसी का दुख कम हो जाए। चली गई, नहीं तो यह जाने का समय है। खलियान में डांट पड़े हैं, तवरी की चिंता समाई है, बैलों को जुगाड़ हो नहीं हो रहा, लेकिन यह सब तो चलता रहेगा। वे गाँव में आकर अपने घर की ओर मुड़ गई और अपने घर की ओर चली गई। लगता है फुआ अपने लिए नहीं रह गई हैं, वे दूसरों के लिए जीती हैं। गाँव में शादी ब्याह किसी के घर हो, फुआ वहाँ होंगी, गाते गाते गला बैठा लेंगे। हर तीज त्योहार के दिन फुआ का गीत सबसे ऊपर स्वर में होता। गांव की लड़कियों की अगुवाई करती हुई फुआ मेले चली जाएंगी और उसका सहज कर घर ले आएंगे। किसी के घर कोई बीमार पड़ गया या मर गया, उसका कोई नहीं चिंता की बात नहीं, फुआ है। खाना बनाने से लेकर तिमारगिरी करने तक का सारा काम अपने सिर ले लेंगे। लगता है गाँव फुआ में हो गया या फुआ गाँव में हो गई। गांव की खुशी भी उनकी और गम भी उनका, लेकिन क्या फुआ का गम कोई बांट पाया? मुझे लगता है कि अपना वे गम किसी तक पहुंचने नहीं देती, अकेले में खुद पी लेती हैं चुपके चुपके। सोहन भैया किसी को लेकर इधर ही आ रहे हैं, साथ में शायद जगमोहन है। हाँ वही तो है, सुना है आजकल उसी के यहाँ इनका उठना बैठना है। हो सकता है उसी को खेत बेचने वाले हों। मेरी इच्छा है कि इन दोनों के आने से पहले उठकर चला जाऊँ, लेकिन खुद ही फोड़ गए। फुआ जीवित थी तब भी सोहन के बच्चे ने उनका अपमान किया, और मर गई तब भी उसका अपमान हो रहा है। मुझे तो लगता है कि फुआ का खेत और मेरा खेत दो नहीं एक हैं। अपने खेत की फसलों की रखवाली करने के क्रम में मैं फुआ के कितने करीब आ गया। फुआ मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी, और माँ द्वारा फुआ के अतीत जीवन से सुनी हुई कहानियाँ मुझे लगातार फुआ माएँ बनाती जा रही थी। मैं अक्सर फुआ को
उनकी माँ के साथ दिखता था। लगता था कि वे माँ बेटी ना होकर सहेलियाँ हों। एक दिन जब मैं स्कूल से घर पहुँचा तो मालूम हुआ माँ घर पर नहीं थी। मेरी छोटी बहन ने बताया फूआ की माँ मर गई है, वे वहीं गई हैं। माँ ने तुम्हें मुझे वहाँ जाने से मना किया, लेकिन मैं भागा भागा वहाँ गया। देखा उनके घर के बाहर उनकी माँ की लाश रखी हुई है और फूआ बहुत रो रही है। अरे माई, तू मुझे छोड़ किसके सहारे छोड़ कर गई? अब इस दुनिया में मेरा कौन है? ससुराल से भागकर तेरे पास आई और यहाँ से भागकर अब कहाँ जाऊँ? बड़ा ही दर्दनाक दृश्य था। सभी रो रहे थे और मैं भी बुक्का मारकर रोने लगा। और जब पहली बार फूआ को अकेले अकेले खेत में काम करते जुटते देखा तो मन उदास हो जाता। सहेली की तरह साथ साथ चलने वाली माँ कहाँ है? फूआ के चेहरे को देखते हुए डर लगता। एक अजीब उजाड़ उस चेहरे पर उगाया था। ससुराल से भागकर आने वाली फूआ की उदासी मैंने नहीं देखी थी। मैंने तो फूआ को हमेशा हंसते मुस्कुराते गाते बजाते देखा था, इसलिए मेरे लिए फूआ का यह चेहरा एकदम नया था जो मेरे भीतर नहीं हटता। उनके बोलने की हिम्मत नहीं होती, उनसे दूर दूर भागता था। एक दिन वे अपने मक्के के खेत में बैठी थी, मैं भी अपना खेत रखाने जा रहा था। उन्हें बैठा देख मैं ठिटक कर खड़ा हो गया। वे अपने आप में खोई थी पर मैं उन्हें देखता रहा। बादल छाए हुए थे, बरस नहीं रहे थे, हवा बंद थी, एक अजीब उमस वातावरण में धसी हुई थी। फुआ फुआ, मैंने धीरे धीरे पुकारा, वे खोई रही। मैंने जरा और जोर से पुकारा, उनकी समाधि टूटी। मुझे पास बुलाया, मैं धीरे धीरे उनके पास गया। फुआ, अब तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं? अब हंसती गाती क्यों नहीं? फुआ चुप रही। मैंने कहा, फुआ तुम्हारा इस तरह चुप रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं, इसलिए ना उदास हो, लेकिन तुम्हारे साथ मैं जो हूँ। फुआ के मौन का बांध टूट गया, उनका ठहरा हुआ चेहरा कपकपाया और वे आंसुओं में फट पड़ी। उन्होंने झपट कर मुझे गोद में भर लिया। देर तक रोती रही, फिर वो आंसू पोंछ ली, बोली, नहीं रे, अब उदास नहीं होंगी मेरे बेटे, फिर जीऊँगी गाऊँगी। रोती रही तो हार जाऊँगी और वे जीत जाएंगे। नहीं, मैं झूठ को जीतने ना दूंगी, तुमने मुझे जगा दिया। मैं सोच रहा था कि उनकी हार जीत का क्या मतलब है, तब तक मैं गुनगुना पड़ी। धीरे धीरे उनके होठों पर एक गीत की कड़ी भी फूट पड़ी। हवा का एक झोंका आया, उमस टूट पड़ी और बादलों में हलचल मच गई। रिमझिम पानी बरसने लगा, मैं बाहर भीतर तक आर्द्रता से भर गया। फुआ गा रही थी, मुझे पता नहीं चला कि उनके गाने में उल्लास है या दर्द। फुआ, आओ चलते हैं ना अपने मचान पर, पानी तेज हो रहा है। और फुआ मेरे साथ मचान आ बैठती। पानी तेज होता गया, एक गहरे कोहरे की तरह फैली बारिश के आसपास सब कुछ डूब गया। वे गाए जा रही थी। धीरे धीरे बुआ भी ठीक हो गई, फिर हंसने गाने समाज का काम करने का रास्ता उन्होंने पकड़ लिया। माँ के क्रियाक्रम में 2 बीघे खेत फिर रहन चढ़ गए। सोहन भैया मेरे यहाँ आते रहते थे और मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य होता और गुस्सा आता कि वह आदमी कभी भी फुआ से मिलने ना जाता, कभी एक पैसे की मदद ना करता, कभी ना पूछता कि जी रही है या मर रही है। कभी कभी जब वे मेरे घर आए होते तो फुआ अनजाने में ही उनके यहाँ आ जाती तो उन्हें देखकर घूंघट काट लेती और घर के भीतर चली जाती। माँ से पूछती, ठीक ठाक है ना ये? हाँ, एकदम तो ठीक ठाक है। इस बार सोहन भैया आए थे, संयोग से फुआ आ गई और माँ से वही सवाल पूछा। माँ ने कहा, ठीक ठाक है, जरा पैसे की तंगी है, बम्बई जाने की बात सोच रहे हैं। फुआ घर से निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद एक गठरी ले आई और बोली, इनसे कह दीजिए ये लेते जाएं। सोहन भैया ने निसंकोच भाव से गठरी उठा ली। माँ विस्मित थी और मैं चकित। और फिर ऐसा अक्सर होने लगा। एक दिन मैं घर पहुंचा तो देखा फुआ बड़बड़ा रही। अच्छा हुआ, भगवान करे कभी उसकी कोख ना फूले फले। मुझे घर से निकलवा कर कुल का दिया जलाने आई थी, अभागिन पिशाचिन भैंस। देखना भौजी, भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा इन राक्षसों को, माँ ने समझाया। नहीं जगरानी, ऐसा नहीं करते, आशीर्वाद दो, घर का चिराग रोशन हो। आशीर्वाद? मैं दूंगी आशीर्वाद भौजी इन राक्षसों को? कहते कहते रो पड़ी और देर तक रोती रही। मैं ही कुलचनी हूँ भाई जी, मैं ही करम जली हूँ, ना जाने क्या क्या कह जाते। मुझे पता नहीं चला कि फुआ का रोना अपनी असहायता का था या प्राश्चित का। फुआ चली गई। माँ से पूछा, माँ ने बताया सोहन भैया की औरत को बच्चा होने वाला था, घर अब ठहरा ही नहीं। अब फुआ के नाराज होने और रोने का अर्थ मेरे समझ में आया। कई सालों में ऐसा प्रसंग फिर आया। एक दिन फुआ के घर पहुंचा तो फुआ बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने एक पीली साड़ी पहन रखी थी और सोहर की एक गड़ी गुनगुना रही थी। मैं गया तो उन्होंने हाथ में गुड़ की एक डली देकर कहा, खाओ। क्या बात है फुआ, सब कुछ बदला बदला जा रहा है, तुम भी खुश हो, तुम्हारा घर भी खुश, कपड़े भी खुश और यह गुड़ भी। कुछ नहीं, खाओ ना बेटा, ऐसे ही आज कुछ अच्छा पहनने का मन हुआ, वे फिर गुनगुनाने लगी। मैंने घर आकर माँ से कहा तो मुस्कुराई, बोली, आज उन्हें पुत्र प्राप्त है। उन्हें? हाँ, सोहन भैया के लड़का हुआ। अच्छा। कुछ देर बाद बुआ आ गई। मैंने कहा, वाह रे फुआ, मुझे तुम्हारी खुशी का राज मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया रे शैतान?
अब बनो मत, मुझे मालूम हो गया कि तुम्हें बेटा हुआ है इसलिए इतनी खुश हो। खुश? मैं खुश होंगी? उस चुड़ैल के बेटा मैं खुश होंगी? मेरी छाती में आग जल रही है, तुम कहते हो मैं खुश हूँ? भगवान भी कितना जाने में उसने मेरी एक ना सुनी। वे गुस्से में बड़बड़ा रही थी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही, लेकिन माँ मुस्कुरा रही थी। तुम मुस्कुरा रही हो बहू जी, जैसे मैं कोई नाटक कर रही हूँ। नहीं रे, मुस्कुरा रही हूँ इस लड़के की अकल पर कि तुम्हें समझ नहीं पा रहा है। कुछ समय एक गहरे मौन में बीता। फुआ के हाथ में एक पोटली थी जिसे माँ बार बार कनखियों से देख लेती। कुछ देर बाद फुआ शर्माई से बोली, भाऊ जी क्या है, जरा इन्हें भिजवा दीजिएगा। कहाँ? वहीं। अरे वहाँ कहाँ? अरे वहीं भाऊ जी, वहीं। अरे कहाँ? देखो भाऊ जी, बनो मत। कहकर फुआ ने पोटली माँ के आगे फेंक दी और शर्मा कर भाग गई। माँ हंसने लगी, फिर उनकी आंखों में आंसू छलक। क्या है रे माँ? अरे बड़ी पगली है रे जगरानी, इसमें क्या है? माँ ने खोल कर देखा, उसमें एक साड़ी थी, बच्चे के लिए एक छोटा सा रंगीन कुर्ता, एक ताबीज, एक गरी का गोला। एक दिन बाद शहर में लौटा तो पाया कि एक विचित्र हवा गांव में फैल गई है। जगरानी फुआ टोन ही ने सुनकर मैं मरमाहत रह गया। माँ बहुत दुखी थी। मेरी पत्नी ने कहा, तुम तो उनकी बड़ी तारीफ करते थे। मैंने उसे डांट दिया, एक विषाक्त हवा किसने फैलाई और क्यों फैलाई? सुना गांव में कोई तांत्रिक आया था, उसने बात बात में घोषित किया कि इस गांव में कोई टोनहीन रहती है, जबरदस्त टोनहीन, जो घर घर में घुसी रहती है। वह अपनी सौत की संतान प्राप्ति के लिए अभी अभी एक गरीब औरत के बेटे को खा गई है। वह बांझ है, इसलिए उसकी छाया ना जाने कितनी औरतों पर पड़ रही है। लोग चकित थे, सब आश्चर्य में देखने लगे कि यह कौन हो सकता है। फिर तांत्रिक ने अविष्ट होकर कहा, वह इस गांव की लड़की है। फिर भनभनाहट फैल गई, अरे यह तो जगरानी है, जगरानी। भाई यह तो बड़ी खतरनाक औरत निकली। हाँ, उसकी सौत को आए कितने साल हो गए, संतान नहीं हुई, अब जाकर हुई। उसने इसके लिए एक गरीब आदमी के बच्चे की जान ली है। सभी बांझ औरतें अपने बांझ होने के कारण का कारण भी अपने को फुआ से जोड़ने लगी। हमें कई लोगों से प्रतिवाद करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी, लेकिन जो हवा बह गई अब उसे रोकना असंभव हो गया। फुआ मरमाहत रह गई, उनकी हंसी और गीत जैसे फिर छिन गए, उन्होंने गांव से निकलना बंद कर दिया। मैं फुआ के पास गया और पूछा, क्या बात है फुआ? बात जो हो उसे सुन ही रहे हो? नहीं, मैं तुमसे पूछना चाहिए पूछ रहा हूँ कि यह सब कैसे हुआ, किसने प्रचार किया? मुझे क्या मालूम। नहीं फुआ, कुछ तो बताओ, किसी से तकरार हुई थी क्या? तुम तो घर घर की सांस पहचानती हो, तुम जरूर जानती होगी। हाँ जानती हूँ, लेकिन छोड़ो ना, क्या फ़ायदा। नहीं फुआ बताओ ना, जगमोहन क्या किया उसने? अरे उसका लड़का प्रदेश में रहता है और खुद अभाग रंडवा है। एक दिन घर सुना था, वह अपनी बहू से जबरदस्ती करने लगा, वह अपने को छुड़ाने लगी। मैं पहुंच गई, मैंने उसे डांटा, तो कितना कमीना रहे, अपनी बेटी के साथ कुकर्म करना चाहते हैं। अरे भागे पोतों भी तो बेटी होती है। वह गुर्राया, देख लूंगा तुझको, सबके घर में घुसी रहती है, ना काम की ना काज की, बस दिन भर आवारागर्दी करती रहती है। मैंने कहा, चुप रे कल मुँह, भरी सभा में तेरा भांडा फोड़ दूंगी, तू गाँव का बड़ा आदमी बनता है ना। गुर्रा कर बाहर चला गया। मैं भला उसका क्या भांडा फोड़ती, उसकी बदनामी कम बहू की ज़्यादा होती। और वह लड़का? अरे वह उस गरीब जियावन का लड़का था, वह बीमार था, कुछ खाने पीने को मिलता नहीं था। माँ बीमार, बेटा बीमार, जियावन मिल में नौकरी करता था, सात में दिन आता है। मैं बच्चे को झाड़ फूँक कर माँ को विश्वास दिलाती कि अच्छा हो जाएगा। बेचारी औरत का और क्या सहारा था। समझ गया फुआ, वह किराए का तांत्रिक लाया होगा, सोचा होगा जब तक यह कुछ मेरे खिलाफ कहे इसकी बदनामी करके इसकी साख कम कर देनी चाहिए, अब मैं उसकी कलाई खोलता हूँ। ना ना बेटा, ऐसा ना करना, परदेश से लौटने पर बेटा यह सब कुछ सुनेगा तो बहू को छोड़ देगा, वादा करो तुम नहीं कहोगे। मैं मन महसूस कर इस बात का प्रचार ना करने का वायदा किया, लेकिन जब सोहन भैया आए और उन्होंने कहा मैं यह सब क्या सुन रहा हूँ, उसने यह सब क्या सीख लिया, वह इतना नीचे गिर गई, मैं गुस्से से लाल हो गया। आपको उनसे क्या वास्ता? आपने कभी यह भी जानना चाहे कि वे मर रही हैं कि जी रही हैं? आप उनके पति हैं ना, आपको धिक्कार है आपकी पत्नी अकेली जीवन से जूझती रही, अब आप उसे इस तरह अपमानित कर रहे हैं। मैं चुप हो वे चुप हो गए। मैंने कहा, पुरुष है तो अपमान करने वाले से बदला लीजिए। है हिम्मत? आते ही पूछ रहे कि यह क्या सीख लिया, इतना नीचे गिर गई। अरे उनको नीचे गिराने में कोई आपने कसर रखी है? यह तो हुआ ही है कि जवानी की आंधी में भी अपनी आबरू और हवस को अपने आंचल में संभालती रही, धीरे धीरे अपने को समाज से एक कर दिया, उसी समाज में उन्हें अच्छा पुरस्कार दिया। और हिम्मत है, अगर आप में हिम्मत है तो लड़िए ना जगमोहन से, उसी ने किराए के तांत्रिक को बुलाकर यह सब कुछ किया। वे फिर चुप रहे, बोले वहीं जा रहा हूँ। हाँ जाइए, शायद फुआ ने कुछ सीधा पसंद जुटा कर रखा हो, और लेते जाइएगा।
इस बार फुआ की हंसी छिनी तो फिर वापस नहीं आई। धीरे धीरे गांव वालों के फुआ के प्रति विश्वास कुछ दूर तक वापस लौट आया था और वे उनकी चाह करने लगे, किंतु फुआ का टूटा हुआ मन फिर से ना जुड़ा। उनके खेत भी उजड़ने लगे, गांव से मिलने वाला दान दक्षिणा लेना भी उन्होंने बंद कर दिया। वे सूखती गई, सूखती गई, सूखती गई। एक बार मैं शहर से आया तो माँ ने बताया कि फुआ का हाल अच्छा नहीं है। मैं गया तो दर्द से छटपटा रही थी, उनके पास कोई नहीं था। उजड़ा हुआ मकान, बिखरे हुए कुछ गंदे सामान, टूटी चारपाई और छटपटाती हुई फुआ। फुआ, उन्होंने आवाज़ पहचान कर मेरी ओर देखा। आ गया रे तू, अब मैं जा रही हूँ, मैं तेरी ही राह देख रही थी। उनकी आह में कितनी हुई डीडी टूटी हुई उदास परछाइयाँ थी। अपने भैया से कहना कि गोइड वाला खेत तुम्हें दे दे, कह देना मैंने कहा है। सोचा था सारे खेत तुम्हारे नाम कर दूंगी, लेकिन मैं कुछ ना बोला। एक एहसास मुझे बुरी तरह मतने लगा, अभी भी फुआ को इतना विश्वास है कि सोहन भैया इनका कहा करेंगे। जीवन कितना विचित्र होता है। फुआ को जोर से हिचकी आई और सिर एक तरफ लुढ़क गया। फुआ, मैं जोर से चीख पड़ा। कुछ देर अवाक खड़ा रहा, फिर सूचना देने घर की ओर चल पड़ा। बाहर निकल कर देखा, चारों ओर अंधेरा। अंधेरे में खड़ा अकेला मकान, मकान में अकेला कमरा और अकेले कमरे में अकेला फुआ का शव। सोहन भैया फिर जगमोहन के साथ इधर ही आ रहे थे, साथ में खेत नापने की जंजीर वगैरह। लगता है इन्होंने जगमोहन को खेत बेच दिया। सोहन और जगमोहन क्या क्या लहर दोनों के बीच। मैं उठकर वहाँ से दूसरी ओर निकल गया। नहीं, मैं अपने सामने फुआ के खेत को जगमोहन के हाथ बिकता हुआ नहीं देख सकता। यह खेत खेत नहीं, दिवंगत फुआ की आत्मा है। वहाँ से दूसरी दिशा को सरक गया। सामने अकेलेपन में खोया हुआ फुआ का मकान दिखाई दे रहा था।